आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैंगो से एक ऐसा डेजर्ट जो आपने अभी तक अपने घर पे शायद नहीं बनाया होगा। वेलकम टू आशिमास किचन। आम का सीजन है, मैंगो शेक और मैंगो आइसक्रीम तो आपने खाए ही होंगे, क्योंकि ऐसे नहीं आम को फलों का राजा कहते हैं। एंड जस्ट इमेजिन अगर इसके अंदर व्हिप क्रीम का फ्लेवर घुल जाए तो इसका मजा कितना दुगना हो जाएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कैफे के मेन्यू से मैंगो मूज, और ये डेजर्ट सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बन जाता है, तो आप सोच सकते हैं ये बनाना कितना सिंपल है। अगर आपको मेरी मैंगो मूज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल आशिमास किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलो बनाते हैं यमी मैंगो मूज। उसके लिए मैंने लिए हैं 4 पके हुए आम। आप ध्यान रखें कि मूज के लिए आप राइप मैंगो ही यूज करें, क्योंकि मैंगो की क्वालिटी डिटरमिन करेगी आपके मैंगो मूस की क्वालिटी। अब हम मैंगोस के पल्प को स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ मैं आपको मैंगो को पीसेस में कट करने का एक फाइन तरीका दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंगो की स्लाइस पर वर्टिकल सीधे कट्स लगाने हैं। ये कट नीचे मैंगो की स्किन तक लगाने हैं, और फिर इसी तरह हॉरिजॉन्टली तरीके से भी स्ट्रेट कट्स लगाने हैं। आप देखेंगे कि स्मॉल क्यूब्स में ये कट लगे हैं। ये मैंगो देखने में ही इतना जूसी और मीठा लग रहा है। अब हमारे कट्स मैंगो के ऊपर लग चुके हैं। अब हम एक स्पून से इसको एक बाउल में निकाल के डाल लेंगे। सिंस इस पर नाइफ से कट्स लगे हुए हैं, तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर इस तरीके से आप मैंगो को कट करें तो उससे आपके चॉप्ड मैंगो की शेप काफी अच्छी और प्रेजेंटेबल आती है। इसी तरीके से हम अपने बाकी मैंगोस को भी पीसेस में कट कर लेंगे। एक चीज का आपको ध्यान जरूर देना है कि जो मैंगो आप यूज करें वो फूस वाला ना हो। एंड अगर मैंगो का सीजन नहीं है तो आप कैंड मैंगो प्यूरे जो मार्केट में मिलती है वो भी इस डेजर्ट को बनाने में यूज कर सकते हैं। इन चॉप्ड मैंगोस के कुछ क्यूब्स आप अलग रख लें, क्योंकि ये मैंगो मूस की डेकोरेशन में बहुत अच्छे लगते हैं। सभी मैंगोस अब हमारे कट चुके हैं। अब हम इन मैंगो पीसेस के प्यूरे बना लेंगे। एक मिक्सर जार में इनको पोर कर लेंगे। ये मैंगो मूस एगलेस मूस है। And anyone having a sweet tooth will definitely love this dessert. अब हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 1/2 cup sugar. And ये क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपके आम कितने पके हुए हैं। अगर थोड़े कम मीठे हैं तो शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दे। I am not adding much because my mangoes are already ripe. अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। हमें मैंगोज की एक स्मूथ प्यूरे बनाना है, तो उसके लिए इसको 2-3 मिनट के लिए मिक्सर में चलाएंगे। हमारे प्यूरे का टेक्सचर काफी स्मूथ आया है। अब एक बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे कोल्ड हैवी व्हिपिंग क्रीम। ये इजीली मार्केट में मिल जाती है एंड इसका ऑनलाइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। ये लेंगे हम अबाउट 1 cup। अब क्रीम को हमें चर्न करना है, उसके लिए ये विस्कर भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक विस्कर है तो मैं उससे अपनी क्रीम को चर्न कर रही हूँ। एक चीज का ध्यान आप जरूर रखें कि क्रीम आपकी ठंडी हो, क्योंकि ठंडी होने से इसमें एयर बबल्स जनरेट होंगे और वो काफी देर तक रहेंगे और जल्दी से डिफ्लेट नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि अब ये थिक हो रहा है। इट वॉज लिक्विड बिफोर, नाउ इट हैज फॉर्म्ड पीक्स एंड बिकम फ्लफी। थोड़ी क्रीम हम अलग रख लेंगे फॉर डेकोरेशन। क्रीम की कंसिस्टेंसी हमारी काफी अच्छी आई है और ये सिल्की स्मूथ बनी है। अपनी क्रीम में अब हम ऐड करेंगे अपनी मैंगो प्यूरी। हमारी प्यूरे का कलर काफी अच्छा आया है, क्योंकि आम हमारे पके हुए थे। इसका मतलब मैंगो मूस का कलर भी काफी अच्छा आने वाला है। इसको अब हम स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। मैंगो प्लस व्हिप्ड क्रीम, परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू स्टील हार्ट्स। इसको हल्के हाथों से मिक्स करें, तेज करेंगे तो क्रीम की फ्लफीनेस कम हो सकती है। ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम एक पाइपिंग बैग में इसको डाल लेंगे, ताकि जब हम इसको ग्लासेस में पोर करें तो साइड्स पे ना लगे। इस तरीके से हम तीनों ग्लासेस में पोर कर लेंगे। एंड वन ग्रेट थिंग, इफ केप्ट इन रेफ्रिजरेटर दिस मेक्स एन एक्सीलेंट मैंगो आइसक्रीम। और अब पाइपिंग बैग से इसके ऊपर पोर कर लेंगे व्हिप्ड क्रीम। व्हेन यू विल ईट दिस विल डेफिनेटली मेल्ट इन योर माउथ। इस तरीके से तीनों ग्लासेस में व्हिप्ड क्रीम पोर कर लेंगे एंड उसके ऊपर फ्रेशली चॉप्ड मैंगो क्यूब्स को डेकोरेट कर लेंगे। दिस मैंगो मूस इज लुकिंग रियली टेम्प्टिंग एंड माउथ वाटरिंग। एनीबडी कैन फॉल इन लव विद दिस डेजर्ट।
मैंगो मूस हमारी बनके तैयार है। चलो टेस्ट करते हैं कि ये बनी कैसी है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही फ्लफी, व्हिप क्रीम और मैंगो का कॉम्बिनेशन अमेजिंग लग रहा है। आप इस रेसिपी को बनाने का ट्राई जरूर करें एंड मैंगो के सीजन को बिना मैंगो मूस बनाए ना जाने दें। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल आशीमास किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको झटपट मिल जाए। जब आप इस रेसिपी को बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी मैंगो मूस कैसी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल आशीमास किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग विद आशीमास किचन।